कल्याणी स्टील कंपनी कैसी है, सारा कुछ यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा है तो आपको क्या बने रहना चाहिए या फिर आपको निकल जाना चाहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो पूरा देखे, स्किप मत कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप इन्वेस्ट करें तो जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूँ, इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक कंपनी में पूरा पैसा कभी भी मत लगाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टील सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं, मेटल सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपका पूरा पैसा एक कंपनी के ऊपर नहीं लगना चाहिए। ये सबसे मेन चीज़ है। आप किसी भी सेक्टर में पैसा लगाइए, उस सेक्टर की कम से कम 5-6 कंपनी के ऊपर आपको पैसा लगाना है। ओके, तो अगर आपने अपना जो मेटल सेक्टर में जो पैसा लगाना है वो अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपके पास पैसा बचा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए, मैं क्या कह रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, मैं वेदांता को भी यहाँ पर अभी तक लिस्टेड है भाई, अभी तक यहाँ पर इसका नाम लेना जरूरी है, वेदांता, और अगर आप बात करें तो सेल, वो सारा कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपके पास अभी तक पैसा लगाने जितना पैसा है, तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप कल्याणी स्टील को एक बार देख सकते हैं। कंपनी अच्छी है, कंपनी का अगर आप कंपनी कौन से ग्रुप की है तो बाबा कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, कंपनी अच्छी कंपनी है, और BF इन्वेस्टमेंट नाम का एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसने कल्याणी ग्रुप में या फिर कह सकते हैं कल्याणी स्टील में वहाँ पर प्रमोटर है वो BF इन्वेस्टमेंट, तो वो भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है, तो मतलब ठीक ठाक है कंपनी का जो यहाँ पर अगर फंडामेंटल देखें तो ठीक ठाक है, लेकिन सेक्टर मंदी में चल रहा है जो स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर मंदी में चल रहा है, तो उसके ऊपर ये उम्मीद हमको नहीं रखना चाहिए कि जो कल्याणी स्टील है वो बाजार को आउट परफॉर्म करके आपको अच्छा रिटर्न दे देगी। एक साल के चार्ट के ऊपर कल्याणी स्टील आपको लगभग 30-40% का गिरावट दिखा रहा है यहाँ पर एक साल के चार्ट के ऊपर, मैं बात कर रहा है यहाँ पर 21 मई 2020। अभी स्टॉक लगभग हाल फिलहाल में आप देखें तो 140-138 ऐसे भाव पे ऊपर ये ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर फ्रेंड्स आप देखें तो कल्याणी स्टील के वो लेकर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर जो प्रमोटर होल्डिंग है कल्याणी स्टील के ऊपर, जो प्रमोटर होल्डिंग है वो प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही तगड़ी है। छोटी कंपनी है, मार्केट कैप की बात करें तो 615 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है, लेकिन एवरेज जो डिलीवरी उठती है यहाँ पर वो बहुत अच्छी उठती है। यहाँ पर लगभग 50% के ऊपर की आपको एवरेज डिलीवरी उठती हुई हर रोज दिखेगी। तो कुछ तो है स्टॉक में, कुछ तो है कि लोग इतना डिलीवरी ले क्यों रहे स्टॉक को। और अगर आप यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो लगभग 3-4% का डिविडेंड भी ये कंपनी आपको देती है हर साल, तो डिविडेंड भी कुछ खराब नहीं है। और अगर आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी का, जो कल्याण स्टील का प्रमोटर होल्डिंग है, वो लगभग 65% प्रमोटरों के पास है। म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है, म्यूचुअल फंड ने लगभग यहाँ पर 3% की खरीदारी करके रखी है, तो म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, प्रमोटर के पास भी एक तगड़ी स्टेक है। और अगर आप यहाँ पर बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो उन्होंने भी थोड़ी सी मतलब छोटी सी एक स्टेक खरीद के रखी है। और अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने भी, अगर आप मार्च 2020 तक की स्थिति देखें तो यहाँ पर उनका भी हिस्सेदारी आपको 2% के आसपास दिखेगी। तो सबने खरीदारी करके रखी है, ओके, सिंपल सी चीज, सबने खरीदारी करके रखी है, थोड़ा बहुत होकर भी मतलब उम्मीद है स्टॉक के ऊपर, उम्मीद है, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आपको पूरा पैसा कल्याणी स्टील या फिर ऐसी कोई छोटी कंपनी के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। ओके, जितनी बड़ी कंपनी सेक्टर में जितना पैसा आप लगाना चाहते हैं वो आपको डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए आपको उतना पैसा लगाना है। और कल्याणी स्टील को भी आपको देखना चाहिए, कंपनी अच्छी है, अगर आप इन्वेस्टेड हैं और अगर आपने महंगे प्राइस पे इसको लेके रखा है तो चिंता मत कीजिए, पैनिक मत कीजिए, होल्ड कीजिए, यहाँ पर आपका पैसा बनने का जो उम्मीद है वो यहाँ पर नजर आ रही है मुझको। आप बाकी आप अपना एनालिसिस आप कीजिए, आपको कैसी लगती है कंपनी। और जहां तक रिटर्न प्रोफाइल की बात है, रिटर्न को एक साल के चार्ट के ऊपर आपने देखा लगभग 35% से लेकर 40% ये स्टॉक अभी डाउन में आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, तो इस बात को लेकर भी आपको चिंता नहीं करना है। और अगर आप यहाँ पर कुछ और चीजों के ऊपर ध्यान दें तो कंपनी एक क्वार्टर में लगभग 1400 करोड़ का जो सेल है वो करती है, एक क्वार्टर में 1400 करोड़ का माल बेचती है और प्रॉफिट भी कमाती है,
ऐसा नहीं कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है, 1400 करोड़ का माल बेचने के बाद लगभग लगभग 130 करोड़ का प्रॉफिट भी कंपनी कमाती है। तो आप बाकी कंपनियों को छोड़ दीजिए, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, वो तो एक क्वार्टर में लगभग लगभग 70 से 80 हज़ार करोड़ का माल बेचती है या पर और प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमाती है। लेकिन उनको छोड़कर अगर आप उनमें इन्वेस्ट करने के बाद उनको छोड़कर नहीं उनको छोड़ने के बाद तो यहाँ पर हरगिज नहीं हो रहे फ्रेंड्स, उनको तो आपको लेकर ही चलना है। और मेटल सेक्टर में एक बहुत बड़ा एक बाउंस बैक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो तेजी कब आएगी, वो तेजी कब आएगी इसकी गारंटी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया सकता। लेकिन मेटल सीमेंट होटल एविएशन और टेलीकॉम, इन ये जो सारे सेक्टर है इनके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। जब जब मौका मिले आपको इनमें पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है ये सारे सेक्टरों के लिए बहुत अच्छा होगा। टेलीकॉम तो आप देख ही रहे हैं, वोडाफोन, आइडिया, भारतीय एयरटेल कैसे भाग रहे हैं, मतलब कैसे भाग रहे हैं वो सारे। एक साल का रिटर्न देख लीजिए तो लगभग लगभग यहाँ पर अगर आप भारतीय का देखें तो उसका रिटर्न भी बहुत अच्छा है, और एक महीने में अगर आप वोडाफोन आइडिया का देखें तो मतलब क्या 60% के ऊपर की एक महीने में उसने तेजी दिखाई है। तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है, आप चैनल के ऊपर जाकर देख लीजिए एक बार। और फ्रेंड्स ये जो कंपनी है, एक कंपनी जो मेनली कामकाज करती है, जैसे कि आपने आपको बताया मैंने, एलॉय बनाती है, एलॉय स्टील वगैरह ये सारा कुछ बनाती है। और यहाँ पर लिस्टेड सेंसेक्स और निफ्टी के ऊपर ये कंपनी लिस्टेड नहीं है, आप और लिस्टिंग होना भी मतलब लिस्टेड होगा भी नहीं, बहुत छोटी कंपनी है, 600 करोड़ का मार्केट कैप है। और यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पाएंगे। एक महीने के चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो स्टॉक बिल्कुल न्यूट्रल है, एक महीने के चार्ट के ऊपर कल्याण स्टील आपको बिल्कुल न्यूट्रल में दिखेगी, तो मतलब यहाँ पर तेजी मंदी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सपाट है एक महीने के चार्ट के ऊपर। और अगर आप 5 दिन के चार्ट के ऊपर देखें तो 5 दिन के चार्ट के ऊपर स्टॉक आपको लगभग लगभग 1% का ही तेजी दिखा, मतलब एक महीना 5 दिन। और अगर आप 6 महीने के चार्ट के ऊपर देखें तो 6 महीने के चार्ट के ऊपर ये स्टॉक आपको 30 से 32% की गिरावट अभी दिखा रहा है। तो मौका है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वक्त देना होगा और रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है फ्रेंड्स, यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है। छोटी कंपनी जैसा कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले भी देखा है, जो छोटी यानी कि स्मॉल कैप फंड होते हैं उनमें रिस्क ज्यादा होता है, उसी तरह ये कंपनी भी छोटी कंपनी है तो रिस्क थोड़ा यहाँ पर आपको ज्यादा लेना होगा। बाकी कंपनियों के कंपेरिजन में अगर आप देखें तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इनमें आपको रिस्क थोड़ा कम लेता मतलब दिखेगा, लेकिन ऐसी कंपनी के ऊपर आपको रिस्क थोड़ा ज्यादा लेना होगा, आपको रिवार्ड भी बड़ा मिल सकता है। ओके, तो सब कुछ समझने के बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। कल्याण स्टील अच्छी कंपनी है, देखिए कंपनी को देखिए, आप खुद से रीड कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।